नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया में। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बृहस्पतिवार यानी कि आज से 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे और आज वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। इसी दिन शाम 4:50 पर वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। अगले दिन शुक्रवार को SGPI के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और अगले दिन 28 अगस्त को गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और गोरखपीठ की ओर से बने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद वो लखनऊ लौट जाएंगे। वहीं 29 अगस्त को सुबह 9 बजे स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे और इसके अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से 4 बाग स्टेशन से अयोध्या जाएंगे और इस दौरान करीब आधा दर्जन ट्रेनें डाइवर्ट रहेंगी। साथ ही स्टेशन पर ट्रेनों को बदलते हुए प्लेटफॉर्म पर भी लाया जाएगा। ऐसे में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अधिकारियों के मुताबिक ट्रेनों को 29 अगस्त को अयोध्या से लखनऊ रूट के बजाय सुल्तानपुर के रास्ते चलाया जाएगा। साथ ही 4 बाग रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को पार्सल घर की ओर से एंट्री दी जाएगी, जहां से वो सीधे प्लेटफॉर्म नंबर पर 2 पर पहुंचेंगे। और वही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की लखनऊ से अयोध्या यात्रा को लेकर ट्रेनों को 29 अगस्त के बदले रूट से चलाने का खाका भी तैयार कर लिया गया है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय GRM स्तर पर 28 अगस्त को होगा। वही अधिकारी बताते हैं कि राष्ट्रपति की प्रेसिडेंशियल ट्रेन जब लखनऊ से अयोध्या के बीच रफ्तार भरेगी तो इस दौरान हावड़ा जमवती एक्सप्रेस अयोध्या फैजाबाद हावड़ा अमृतसर फैजाबाद LTT सहित करीब 8 ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। वहीं प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस की रवानगी और वापसी के दौरान 4 बाग स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों को बदले प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। वहीं 28 अगस्त को दिल्ली से प्रेसिडेंशियल लखनऊ पहुंचेगी और ऐसे में ट्रेन की टेक्निकल जांच रेलवे की टीम करेगी। इसके बाद 29 अगस्त की सुबह राष्ट्रपति इसी ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। वहीं रेलवे अधिकारियों ने 4 बाग रेलवे स्टेशन और लखनऊ से अयोध्या रूट पर सुरक्षा को भी कई चरणों में रखा है। अफगानिस्तान में लगातार बदलते हालात के बीच आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जी हां, अफगानिस्तान को लेकर सरकार का क्या रुख होगा और अब तक अपने लोगों और देश के हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ किया गया, इस पर विदेश मंत्री आज जानकारी देंगे। तालिबानी शासन आने से पाकिस्तान और चीन की बातचीत खिल गई है, लेकिन अब भारत सरकार को यह तय करना है कि उसकी रणनीति क्या होगी। यही रणनीति सर्वदलीय बैठक का मुख्य एजेंडा रहेगी और ऐसे में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की तरफ से ये मांग होती रही है कि सरकार तालिबान के साथ हो रहे संपर्क और संवाद को लेकर तथ्य सामने रखे। इसके अलावा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी और विदेश नीति के विकल्पों पर भी सबको भरोसा मिले, इसीलिए बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं अफगानिस्तान एशिया में पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने के लिए भारत के लिए अहम रणनीतिक साझेदार भी रहा है, लेकिन अब हालात और कर दोनों ही बदल चुके हैं, इसीलिए सरकार इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर अब कदम रख रही है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में किसानों के आंदोलन के आज 9 महीने पूरे हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने ये दुनिया का सबसे बड़ा चलने वाला विरोध प्रदर्शन भी बना दिया है। ऐसे में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 9 महीने हो गए हैं, तो इसीलिए किसानों केंद्र सरकार के बीच बता दें 22 जनवरी को अंतिम बातचीत हुई थी और उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल होने पर टूटता आंदोलन भी किसान नेताओं की भावुक अपील के बाद दोबारा से खड़ा हो गया था, लेकिन अब इतना समय बीतने के बावजूद भी सरकार से बातचीत का रास्ता न खुलने पर
आंदोलन अब लंबा होता जा रहा है। सरकार ने बातचीत की कोई पहल नहीं की। अब संयुक्त किसान मोर्चा 26 यानी कि आज और कल 27 अगस्त को कुंजली बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन करेगा, जिसमें आंदोलन को नई दिशा और दशा देने का खाका तैयार किया जाएगा। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसानों ने पंजाब से दिल्ली कूच किया था। ऐसे में 26 नवंबर 2020 को हजारों की संख्या में तैनात सुरक्षा बलों ने कुंजली बॉर्डर पर बैरिगेटिंग कर किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक दिया था। आगे रास्ता न मिलने पर हजारों किसानों ने तभी से कुंजली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 के बीचों बीच पड़ाव डाल रखा है और उस समय किसी को अनुमान नहीं था कि कुंजली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का मुख्य धरना स्थल बन जाएगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास से हजारों की संख्या में किसान कुंजली बॉर्डर पहुंचना शुरू हो गए, जिसके बाद यहां लगातार पिछले 9 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। केरल में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। राज्य में बुधवार को 3 महीने के बाद एक दिन में कोरोना वायरस के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 19% हो गई है। ऐसे में केरल में शनिवार को बता दें 17,106 और रविवार को 10,402, सोमवार को 13,384, मंगलवार को 24,296 कोरोना केस की पुष्टि हुई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक केरल में 24 घंटे में 31,445 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या अब 38 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। वहीं इतने ही समय में कोरोना से संक्रमित 215 मरीजों की मौत भी हुई है और इसके बाद राज्य में मृतकों की कुल संख्या 19,972 हो गई है। इस समय राज्य में 1,70,292 मरीजों का इलाज भी चल रहा है और पिछली बार केरल में बता दें 20 मई को एक दिन में संक्रमण के मामले 30,000 से के पार चले गए थे और उसी दिन 30,000 से ज्यादा नए कोविड रोगियों का पता चला था। ऐसे में अब राज्य सरकार ने संक्रमण को और बढ़ने से रोकने के लिए सघन स्क्रीनिंग कार्यक्रम की भी घोषणा की है। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने पुनः अनुमान व्यक्त किया था कि ओणम त्योहार के बाद राज्य में जांच के मामले में संक्रमण दर 20% से ज्यादा हो सकती है और संक्रमण के मामले भी बढ़ेंगे और ऐसा हुआ भी है और इसीलिए बीते 24 घंटे में केरल में 31,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना जैसे जैसे रूप बदल रहा है वैसे वैसे इसकी चुनौतियां भी बदल रही हैं। ताजा अपडेट वैक्सीन डोज में समय के अंतर को लेकर आया है। दरअसल देश में पब्लिक हेल्थ की दो बड़े एक्सपर्ट एसोसिएशन ने सरकार को कोविशील्ड की दो डोज में अंतर को कम करने की सिफारिश की है। ऐसे में इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ने कोविशील्ड की डोज में 12 हफ्ते की बजाय 8 हफ्ते के अंतर करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा है। दो डोज के अंतराल को कम करने की सिफारिश में सबसे बड़ी दलील वायरस के नए म्यूटेंट में बदलने और नए स्ट्रेन का पैर पसारने की दी जा रही है। फिलहाल कोविशील्ड देश की वैक्सीनेशन ड्राइव में अव्वल पर है और जब देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब की दो डोज में 28 से 42 दिनों का अंतर था, फिर दोनों डोज में 28 से 56 दिनों का अंतर रखा गया और अब कोविशील्ड वैक्सीन की डोज में 84 से 112 दिनों का अंतर जरूरी किया गया है। ऐसे में सरकार ने तब कोविशील्ड के दोनों डोज में ज्यादा अंतर को वैक्सीन की प्रभावी क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी बताया था, लेकिन अब एक्सपर्ट्स एसोसिएशन कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए गैप को कम करने की मांग कर रहे हैं। तो बता दें देश की दो बड़ी एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है और वैक्सीन की दोनों डोज के बीच में लगने वाली जो अवधि है उसको कम करने की मांग की गई है। दरअसल पहले 84 से 112 दिन ये पहले से दूसरी डोज में अवधि जो थी वो इतनी थी कि 100 अगर आपको पहली डोज आज लगी है तो आप दूसरी डोज 84 या 112 दिन के बाद लगवा सकते हैं, लेकिन अब जो है वो बड़ी दो एक्सपोर्ट एसोसिएशन कंपनी ने ये चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को, जिसमें ये कहा गया है कि अब ये अवधि जो है वो कम की जाए, यानी कि जो गैप है दोनों वैक्सीन के बीच का उसको कम किया जाए।
ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट पटोल प्लाजा पर सिटी ऑफ अप्रैल साइनेज का आयोजन किया गया है। इस दौरान यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह और जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने इस साइनेज का उद्घाटन किया और एनएईसी के अध्यक्ष ललित ठकराल के मुताबिक उनका मकसद स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसके लिए यूपी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिले को युवाओं का शहर घोषित किया जाएगा। इस योजना के तहत अपेरल पार्क में भूमि आवंटित की गई जो उद्योगों के मद्देनजर जिले की मजबूती देगी और 5 लाख नौकरियां पैदा करेंगी। ऐसे में और एनएईसी ये सुनिश्चित करेगा कि इसका अधिकांश हिस्सा आसपास के गांवों और कस्बों को के लोगों को मिले और 70% कार्यबल महिलाएं भी होंगी इसमें। पार्क ऑफ अप्रैल पार्क्स, तो ये एक ऐसा उद्योग अप्रैल पार्क के रूप में यहाँ विकसित होने जा रहा है जिसमें तकरीबन 70% महिलाओं को रोज़गार मिलेगा और ऐसी महिलाओं को जो अनस्किल्ड हैं हम उनके लिए सिलाई केंद्रों का गांव-गांव में ट्रेनिंग के कार्यक्रम कराएंगे और हमारी कोशिश होगी कि जैसे ही यह इंडस्ट्री चालू हो अप्रैल पार्क से संबंधित, उससे पहले ही हमारे क्षेत्र की महिलाएं इस लायक हो जाएं जो उन्हें उन कंपनियों में रोज़गार मिल सके। यह आप भी जानते हैं कि जेवर एयरपोर्ट की स्थापना के बाद दुनिया की नामचीन कंपनियों ने जिस तरीके से निवेश इस क्षेत्र में किया है और अपना इंटरेस्ट दिखाया है। सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है इंडस्ट्री को, चाहे वो इंडस्ट्री को लगाने में हो, चाहे वो लैंड सब्सिडी हो, चाहे आगे वर्किंग कैपिटल हो। तो ये सिर्फ हमें बिज़नेस को डेवलप करके कस्टमर्स को यहाँ तक खींच के लाना है सो दैट ये बिज़नेस जो है और फ्लरिश करे। तो मेरी समझ में ये है कि आने वाले जो अगले 3 से 5 साल के बीच में होगा ये टोटल ऑपरेशनल होगा अपैरल पार्क, और जैसे ठुकराल साहब ने बताया कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी जिसके अंदर ये इस जगह पर रोज़गार के साथ 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 में डेवलपमेंट्स होंगी लोगों के रहने की भी और साथ में स्कूल एजुकेशन की भी। मॉनसून अब विदाई की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, लगातार बदल रही मौसमी परिस्थितियों के बीच दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी का सामना लगातार करना पड़ सकता है। वजह, अगले एक सप्ताह के दौरान तेज बारिश की कोई संभावना नहीं है। 28 से 31 अगस्त के बीच भी कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार यानी कि आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और अधिकतम और न्यूनतम तापमान 36 और 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं आज शुक्रवार को जहां मौसम जो है अच्छा रहेगा, वहीं उसके बाद भी अगले 4 दिन तक हल्की बारिश होने का पुनः अनुमान है और वो भी कहीं कहीं होगी। दूसरी तरफ स्काई मेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि ऐसी स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि ना तो कोई निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है और ना ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए मॉनसून की मजबूती और बारिश की कोई भी सिस्टम नहीं बना पा रही है, जिस वजह से अब बारिश जो है हल्की ही होगी और ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। तो बता दें, अब मॉनसून जो है वो धीरे धीरे विदाई की ओर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है आज दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वहीं अगले हफ्ते की बात करी जाए, 28 से 31 अगस्त तक की बात कर ली जाए, तो उस बीच भी बारिश के आसार जो है वो नहीं बन रहे और ऐसे में अब लोगों को एक बार फिर से उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। लॉर्ड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे टेस्ट में भारत की हालत बेहद ही खराब है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 120 रन बना लिए हैं और इससे पहले इंग्लैंड ने भारत की पहली पारी को सिर्फ 78 रन पर ही ढेर कर दिया था। मैच के दूसरे दिन अब इंग्लैंड की नजर बड़ी बढ़त हासिल करने की और सीरीज को 1-1 से बराबर करने पर होगी। इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए पहली पारी में 42 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। ऐसे में
बता दें हसीब हमीद 130 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 60 रन और रूरी बर्नस्टर 125 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के के सहारे 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे। भारतीय टीम के गेंदबाज पहले दिन कोई भी सफलता हासिल करने में नाकाम रहे। ऐसे में भारत को पहली बार में समेटने के बाद उत्तरी इंग्लैंड की टीम ने शानदार शुरुआत की और उसकी सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की। भारतीय बल्लेबाजों के निराशजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय गेंदबाजी आक्रमण भी आज अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहा था। कोरोना काल में लोगों के डिजिटल दुनिया की तरफ तेजी से कदम बढ़े हैं। इसी को देखते हुए टेक कंपनियों ने जिम्मेदारियां भी और बढ़ गई हैं और उन्होंने यूजर के डेटा की भी सुरक्षा और बढ़ा दी है। दरअसल गूगल की भी कई बार ये कह चुका है कि वो अपने यूजर्स के डेटा का सुरक्षा और गोपनीयता के लिए प्रतिबद्ध है और इसे बरकरार रखने के लिए लगातार कदम भी उठा रहा है। अब एक बार फिर कोविड महामारी की वजह से डिजिटल प्लेटफॉर्म में तेजी को देखते हुए गूगल इंडिया ने ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए नई पहलों और कार्यक्रमों की घोषणा की है। दरअसल गूगल ने भारत में अपनी ट्रस्ट और सुरक्षा टीमों में संसाधनों का विस्तार किया है और ये 8 भारतीय भाषाओं में होंगे। इससे अलावा कंपनी ने बच्चों के साथ साथ माता पिता के लिए इंटरनेट सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम लाने का भी फैसला लिया है। साथ ही इंटरनेट की दिग्गज कंपनी ने लोकप्रिय कॉमिक बुक पात्रों के माध्यम से भी बच्चों को महत्वपूर्ण इंटरनेट सुरक्षा सबक सिखाने के लिए अमर चित्र कथा के साथ साथ उसे मिलाया है। और ऐसे में गूगल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कंपनी के पास दुनिया भर में फैली ट्रस्ट और सुरक्षा टीमें हैं जो तकनीक में निपुण हैं और वो ऑनलाइन नुकसान की नहीं पहुंचने देंगी और डरने और रोकने के लिए काम भी करती हैं। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए 10 से ज़्यादा स्थानीय भाषाओं को भी अब ऐसे में गूगल पर जोड़ा गया है। तो बता दें अब गूगल ने ये नया सिस्टम लॉन्च कर दिया है, नया फीचर लॉन्च कर दिया है, यानी कि इंटरनेट पर धोखाधड़ी और कंफ्यूजन जो होता था अब लोगों को वो नहीं होगा। और ऐसे में गूगल ने ये सेफ्टी सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर दिया है। दरअसल पिछले काफ़ी समय से सेफ्टी को लेकर कई इशू हो रहे थे, कई सवाल आ रहे थे। ऐसे में अब गूगल ने ये सेफ्टी सेंटर जो है वो लॉन्च कर दिया है, क्योंकि जब से कोरोना काल देश में आया है, कोरोना की स्थिति आई है, तब से लोग जो हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट्स और ऑनलाइन चीज़ों पर ही ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा इशू जो होता है वो सेफ्टी का होता है, जिसको देखते हुए अब गूगल ने ये सेफ्टी सेंटर जो है वो नया लॉन्च किया है। यानी कि अब ऑनलाइन आपको इंटरनेट पर धोखाधड़ी और फेक न्यूज़ जो मिलती थी उस पर गूगल की ये सेफ्टी सेंटर जो है वो लगाम लगाएगा। चमोली में नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल पहली बार कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस निकालकर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से आयोजित किए गए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जमीनी स्तर के प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाए, ना कि किसी पैराशूट प्रत्याशी को। नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कर्णप्रयाग में उमा देवी मंदिर में दर्शन कर माँ उमा शंकरी का आशीर्वाद लिया। कर्णप्रयाग पेट्रोल पंप से मुख्य बाजार होते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिमली रोड तक जुलूस भी निकाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गणेश गौदियाल ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में शीर्ष नेताओं के सहयोग से 2022 चुनावों में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। नैनीताल में मंडलायुक्त सुशील कुमार ने 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। वहीं मिली हुई धनराशि की तय समय में इस्तेमाल करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को भेजने के निर्देश दिए, ताकि अगले किस्त उन्हें मिल सके। और इसी के साथ ही मंडलायुक्त ने नैनीताल में चिन्हित किए गए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में मुक्तेश्वर क्षेत्र को नया पर्यटन
डेस्टिनेशन भी विकसित करने के लिए केएमवीएन की तरफ से 13 कार्य क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनकी 3,50,00,000 की धनराशि शासन की तरफ से स्वीकृत की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडल के विनर वनदीप राजन को कला, पर्यटन और संस्कृति में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा कर दी है। जी हां, मुख्यमंत्री ने कहा कि पवनदीप राजन ने सामान्य परिस्थितियों से उठकर अपनी प्रतिभा से देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। वो राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं और प्रदेश के कला, संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने पवनदीप राजन के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बता दें कि बुधवार को पवनदीप राजन ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की थी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, चंपावत के विधायक कैलाश गहलोती भी मौजूद रहे थे। पवनदीप राजन जो हमारा छोटा भाई है, उत्तराखंड का बेटा है और बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में एक सीमांत क्षेत्र से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी, दुनिया के अंदर इतना हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है उसने और एक होनहार प्रतिभा है। मैं उनको कला, पर्यटन और संस्कृति के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।